Assalamu alaikum everyone. Our today's topic will be again neoplasia, जो हम पिछली दफा पढ़ रहे थे. ये relatively important obviously topic है और थोड़ा difficult है. I know it's a bit difficult topic. ये this topic has been scaring us since the beginning of time. So today we will discuss the molecular basis of cancer, carcinogenic agents and clinical aspects of neoplasia. ठीक है. तो अच्छा, इस लेक्चर के अंदर there is a lot to cram. मतलब I am not always a fond of, मैं हमेशा आप लोगों को बताऊंगी कि कॉन्सेप्ट याद करो और डोंट गो फॉर यू नो डोंट go for cramming or रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, because as medical students you should need to learn the concepts. But sadly इस unit के अंदर you need to activate your scamming skills and you need to memorize what is actually going on. तो this slide it is still difficult for me as well, because ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं at some point.
इट इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट सैडली यू हैव टू डू इट. सो ऑन्कोजीन्स क्या होती हैं, वी विल डिस्कस व्हाट ऑन्कोजीन्स आर. बट इस स्लाइड के ऊपर जो ऑन्कोजीन्स का लिखी हुई है कि क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में फॉर एग्जांपल एबीएल ऑन्कोजीन होती है, बर्किट्स लिम्फोमा में सी माइक ऑन्कोजीन होती है, फोलिकुलर लिम्फोमा में BCL2, ब्रेस्ट ओवेरियन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में ARBB2, कोलन कैंसर में रैस, लंग ट्यूमर में एल माइक और न्यूरोब्लास्टोमा में एन माइक. दीज आर सर्टेन ऑन्कोजीन्स दैट यू शुड नो व्हाट इज द ऑन्कोजीन फॉर ईच स्पेसिफिक ट्यूमर. सो दीज आर वेरी हाई यील्ड वाइवा क्वेश्चंस एंड एग्जामिनर्स टेंड टू कंफ्यूज यू विद दीज क्वेश्चंस के कोलन कैंसर की फॉर एग्जाम्पल ऑन्कोजीन कौन सी होगी, जस्ट टेल मी. सो ये चीज़ें MCQs में भी बहुत आती हैं और ये चीज़ें जो है यू हैव टू जस्ट मेमोराइज. ठीक है, तो इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, बस इसको आपने बेसिकली यू हैव टू क्रैम इट. ओके, सो डिजीजेज दैट आर एसोसिएटेड विद कैंसर. सो इसमें के डिफरेंट डिजीजेज में कौन कौन से जो कैंसर्स हैं वो डिफरेंट डिजीजेज के साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, और बेसिकली जैसे डाउन सिंड्रोम जो है उसके साथ ज़्यादा एसोसिएशन जो है वो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की है. एल्बिनिज्म के अंदर फॉर एग्जांपल मेलेनोमा जो है उसके साथ एसोसिएशन है. ऑब्वियसली एल्बिनिज्म में क्या होगा कि एक इंसान के अंदर जो है उसका जो मेलेनिन प्रोडक्शन होगी वो कम होगी, तो जो एल्बिनो होगा इंसान उसका जो मेलेनिन होगा जो पिगमेंट होता है द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू योर स्किन वो कम होगा, एबसेंट होगा बल्कि, तो उसके अंदर रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेलेनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन इज रिलेटिवली हायर. क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पर्निशियस एनीमिया जो है इसके अंदर देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एडीनो कार्सिनोमा. इन बैरेट्स इसोफेगस देर इज अ रिस्क ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा. हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. देखो अब ये चीज जो है थोड़ी सी इट मेक्स सेंस. द प्रीवियस स्लाइड वाज टोटली अ क्रैमिंग थिंग दैट यू हैव टू जस्ट क्रैम, बट दिस स्लाइड मेक्स सेंस बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ यू सी दैट इफ देयर इज अ पेशेंट विद एल्बिनिज्म बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी मेलानिन इन हिज और हर स्किन, सो द थिंग इज के ही इज मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग स्किन कैंसर, मोस्ट कॉमनली अ मेलेनोमा. ठीक है, और अब जैसे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है दैट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, अगर उसको क्रॉनिकली उसका इन्फ्लेम्ड हुआ हुआ है उसका स्टमक या उसको परनिशियस एनीमिया हुआ हुआ है तो उसके अंदर जो है स्टमक के कैंसर का जो रिस्क है दैट इज रिलेटिवली हायर. बैरेट्स इसोफेगस क्या चीज़ होती है कि जो आपकी इसोफेगस होती है गर्ड की वजह से जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है जिसके अंदर देर इज अ रिफ्लक्स ऑफ एसिडिक कंटेंट्स फ्रॉम द स्टमक इनटू योर इसोफेगस, सो उसके अंदर जो उसका उसका मेटाप्लेजिया हो जाता है, इट मींस कि उसका जो सेल टाइप है दैट इज ऑल्टर्ड. तो जब बैरेट्स इसोफेगस होगा तो देर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इसोफेजियल कैंसर, और जब हेपेटाइटिस होगा ऑब्वियसली तो देर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटोसेल्युलर कैंसर, जो उस पेशेंट को जो है वो लिवर का कैंसर जो है वो हो सकता है. ओके, देन यू हैव द पैजिटस डिजीज ऑफ द बोन. इसके अंदर आपकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत एक स्टिक की तरह हो जाती है और वो स्टिक की तरह टूट जाती हैं, तो उसके अंदर ऑस्टियोसार्कोमा ये एक जो है कैंसर है, कॉमन कैंसर, कॉमन तो नहीं लेकिन डेंजरस मोस्ट डेंजरस कैंसर है ऑफ द बोन्स. उसके अंदर पेजिट्स डिजीज ऑफ द बोन के अंदर ऑस्टियोसार्कोमा हो जाएगा. एड्स के अंदर जो है इट्स हाई यील्ड टू रिमेम्बर कि कपोजी सार्कोमा का जो है वो क्लासिक एसोसिएशन है विद एड्स एंड ऑल्सो देर इज एसोसिएशन ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा. ठीक है, लेकिन जो कपोजी होता है दैट इज क्लासिकली सीन इन अ पेशेंट विद एड्स. ठीक है, रेडिएशन के अगर एक पेशेंट जो है वो रेडिएशन से एक्सपोजर उसका बहुत ज्यादा हुआ हुआ है तो उसके अंदर जो है पेपिलरी थायराइड कैंसर जो है उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है. अब आ जाती है ट्यूमर सप्रेसर जीन. येट अगेन ये एक वो वाली स्लाइड है जो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऑन्को जीन्स वाली स्लाइड से रिलेटिवली आसान है.
तो अब ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होती हैं, वी विल डिस्कस देम इन द फ्यूचर स्लाइड्स. तो इसके अंदर रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो है, जो और जिसको आप RB जीन कहोगे, वो रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर होगी. P53 जो है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कम्स ओवर एंड ओवर अगेन इन सो मेनी आपको P53 जो है थ्रू आउट लाइफ जो है, यू हैव टू जस्ट सी इट अगेन एंड अगेन. सो दिस इज रिलेटेड इन रिलेटेड विद सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन कैंसर्स. एंड BRCA1, BRCA2 में जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है. P16 जो है वो मेलेनोमा के साथ, और APC विद कोलोरेक्टल कैंसर. ओके, अब ये चीज़ें अभी जस्ट डोंट पैनिक के जो है ये क्या चीज़ें हैं, आई विल डिस्कस देम विद यू. अब सेलुलर बेसिस ऑफ कैंसर क्या चीज़ होती है. सो बेसिकली कैंसर है क्या चीज़, ये हम लोगों को मोस्टली अभी तक नहीं पता होता कि कैंसर में हो क्या रहा है. वी जस्ट नो कि कैंसर इज समथिंग बैड, एंड वंस अ पेशेंट डेवलप्स कैंसर सो उसका प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, एंड मतलब बहुत एक सैड डिजीज है. बट वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग इन कैंसर. सो कैंसर इज कैरेक्टराइज बाई एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. ठीक है, कैंसर अराइजेज फ्रॉम द लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल. इन नॉर्मल टिश्यूज द रेट्स ऑफ न्यू सेल ग्रोथ एंड ओल्ड सेल डेथ आर केप्ट इन बैलेंस. इन कैंसर दिस बैलेंस इज डिसरप्टेड. द डिस्ट्रप्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और लॉस ऑफ सेल्स एबिलिटी टू अंडरगो एपोप्टोसिस. ठीक है, सो बेसिकली वॉट इज हैपनिंग इन कैंसर, उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे मैं आपको एपिथेलियम की एग्जांपल देती हूँ बार बार, कि जो आपका स्किन है उसका जो लाइनिंग है एपिथेलियम, वो बार बार जो है वो रोज शेड होती है और न्यू सेल्स जो हैं वो बनते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए. तो उसका जो जो उसकी शेडिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर लॉस ऑफ द सेल्स हो रहा है और जिसके अंदर जो न्यू सेल्स जो बन रहे हैं, जिसके अंदर आपके ऑब्वियसली यू आर गेनिंग द न्यू सेल्स, दिस प्रोसेस इज बैलेंस्ड. वो इतना उसका फाइन बैलेंस होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि इट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, और आपकी जो स्किन है वो एट एट नॉर्मल रहती है. बट जस्ट इमेजिन वॉट हैपन्स वेन योर शेडिंग स्टॉप्स एंड योर सेलुलर ग्रोथ जो एपिथिलियम की जो है, जो रिप्लेसमेंट है वो कॉन्टिन्यू रहे, तो ऑब्वियसली देर विल बी अ बिल्डअप ऑफ एक्सेस एपिथीलियल सेल्स. तो कैंसर के अंदर यही हो रहा है बेसिकली कि देर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. जो अगर एक नॉर्मल एक ग्रोथ जो होती है सेल्स की, उसका एक 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 कंट्रोल होता है. हमने जब सेल साइकिल पढ़ा था तब वी डिस्कस्ड के आपके जो हैं देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ सेल्स दैट अंडरगो कॉन्टिन्यूस प्रोलिफरेशन. कुछ सेल्स होते हैं जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं और वो दोबारा कभी डिवाइड करते ही नहीं है. कुछ सेल्स होते हैं जो लिवर सेल्स होते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, लेकिन वो जी नॉट फेज में पड़े होते हैं, लेकिन एक दफ़ा उनको आप एक्टिवेट कर दो तो वो दोबारा जो है सेल साइकिल के अंदर आ जाते हैं. तो उसके अंदर बेसिकली जो कैंसर के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सेल साइकिल है आपका वो सारा डिस्ट्रप्ट हो चुका है, और जो सेल है उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती जा रही है. और जो उसके अंदर जब अगर अगर वो सेल डैमेज हो जाएगा, नॉर्मली क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से एक सेल डैमेज हुआ है तो उसको पता चल जाता है कि आई एम नॉट इन द राइट पोजीशन. तो बेसिकली इट अंडरगोज अ सेल सुसाइड, जो हमने पढ़ा था एपोप्टोसिस. लेकिन अगर एक सेल के अंदर एबिलिटी टू अंडरगो एपोप्टोसिस ही ख़त्म हो जाए, तो व्हाट विल हैपन इज कि वो जो है it will continue on proliferating and it will eventually form cancer. So cancer cells do not grow faster than normal cells, rather their growth is just uncontrolled. So uska ye matlab nahi hai ki wo ek normal cell se zyada jaldi jo hai wo grow karte hai. For example agar mere jo epithelial cell ka jo cell cycle ki duration hai, agar that is 24 hours, तो कैंसर सेल्स की ड्यूरेशन अभी 24 आवर्स ही होगी. बट अगर फॉर एग्जांपल मेरे एपिथेलियल सेल्स 24 आवर्स में जो है वो एक दफ़ा रेप्लिकेट करके फिर रुक जाना है अगले फॉर एग्जांपल 48 आवर्स के लिए, तो वो नहीं होगा. कैंसर के अंदर क्या होगा कि वो जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो रेप्लिकेट होता जाएगा, और उसके अंदर जो सेल का जो बेसिकली क्या कहते हैं
एक सेल साइकिल का कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है. ओके, व्हाट कॉजेस कैंसर? सो बेसिकली कैंसर जो है, देखो अब अगर आपको कोई कहे कि डाउन सिंड्रोम क्या है, तो इट इज स्ट्रिक्टली अ जेनेटिक डिजीज जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज की वजह से होती है. उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क्स यू कोविड क्या है, तो यू नो कि कोविड जो है इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस. सो कैंसर जो है बेसिकली इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज. उसमें अभी तक जो है वी कैन नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट के इस पर्टिकुलर बंदे को कैंसर हुआ है तो क्यों हुआ है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. देखो मतलब जिस बंदे को भी खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, मतलब उसके अंदर आप कुछ नहीं कह सकते. वो एक अपेरेंटली हेल्दी बंदा होता है जिसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया होता है. ऑब्वियसली देर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी के जो है आपका बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी के जो एक पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल BRCA1 म्यूटेशन है तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होना ही होना है. इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? बेसिकली इसमें केमिकल्स हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकती है. मैंने रेडिएशन का जिक्र किया था कि रेडिएशन का जो एक्सपोजर होता है दैट कैन कॉज कैंसर. तो इसीलिए लिहाजा जो व्हेनेवर मतलब हॉस्पिटल सेटिंग्स में व्हेनेवर दे ऑपरेट एन एक्सरे मशीन या व्हेनेवर दे डू सम रेडिएशंस, दे ऑलवेज आस्क के वहां पे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनमें से कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है. सो इफ एनीवन इज प्रेग्नेंट, उसको वो वहां उस वाले रूम से वो बहुत दूर भेज देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि उस जो अनबॉर्न फीटस है उसके अंदर जो है वो इस तरह की कोई रेडिएशन जो है उसको अफेक्ट ना करें. वायरसेस भी कुछ लिंक्ड हैं विद कॉजिंग कैंसर, और कुछ जो है वो इनहेरिटेंस पैटर्न भी होता है फॉर एग्जाम्पल इन अबाउट 5% ऑफ द केसेस. सो सो कैंसर इज बेसिकली कॉज बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द जेनेटिक कोड, ठीक है. सो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि रेडिएशंस की वजह से, मैंने आपको हिरोशिमा और नागासाकी की एग्जांपल दी थी. अगर आपका रेडिएशंस के साथ एक्सपोजर है तो व्हाट विल हैपन इज के यू विल डेवलप म्यूटेशंस, और म्यूटेशंस में क्या होगा कि आपका जो डीएनए होगा उसके अंदर जो है देयर विल बी अ चेंज इन योर डीएनए, एंड वंस यू हैव डेवलप द म्यूटेशंस यू विल डेवलप कैंसर इवेंचुअली, ठीक है. तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर? कैंसर इज अ जेनेटिक डिजीज. Mutations in genes results in altered protein during each cell division or external agents or random event. Most cancer result from mutations in somatic cells. Some cancers are caused by mutations in germline cells. ठीक है. So mutations का क्या मतलब होता है? अब अगर हम थोड़ा सा जाएं एक molecular level के ऊपर और जाके देखें तो हमारा DNA है, ठीक है. DNA जो होता है एक double stranded helical structure होता है. उसके अंदर चार बेसेस होती है, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन. तो अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत याद हो आप लोगों को, तो जो दो तीन बेसेस होती हैं, तीन नाइट्रोजनस बेसेस जो होती हैं, उनसे एक अमीनो एसिड का कोड जो है वो बनता है, और वो कोड करती है फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, और फिर वो जो है वो डिफरेंट अमीनो एसिड जो है दे लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन. तो अगर अगर एक अमीनो एसिड, अगर एक नाइट्रोजनस बेस भी ऑल्टर हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोड जो है वो AUG है, और अगर AUG के बजाय अगर AUT आ जाएगा तो वो अमीनो एसिड जो है वो ऑल्टर हो जाएगा, और उस एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की ऑल्टरेशन की वजह से जो है आपको बहुत मतलब यू माइट फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. सो बेसिकली What is happening is के उसके अंदर जो है mutations अगर होंगी तो it can cause cancer. अब somatic cells क्या होते हैं? All the cells of the body except for the gametes. Gametes क्या होते हैं? आपके reproductive cells होते हैं. That is the sperms in the males and the eggs in the females, जिनका जो haploid chromosome number होता है, that is 23 chromosomes. बाकी सारे cells of the body they have 46 chromosomes. So all the cells of the body except for the gametes are the somatic cells. So mostly cancers arise from mutations in the somatic cells, and some cancers are caused by mutations in the germline cells. The important thing is ki agar germline cells ke andar mutation hogi
तो ना ही वो सिर्फ उस इंसान को जिसके अंदर वो म्यूटेशन होगी, सिर्फ उसको वो अफेक्ट नहीं करेंगी, बट उसकी ऑफस्प्रिंग्स को भी अफेक्ट करेंगी, ठीक है। कैंसर में ये नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मदर को कैंसर है, फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ शी इज डिलीवरिंग अ चाइल्ड, तो उस बच्चे के अंदर कैंसर जो है वो उसी तरह से नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एड्स जो होता है, ये हेपेटाइटिस होता है, वो ट्रैवल कर जाता है, उसका प्लेसेंटल ट्रांसफर हो सकता है, तो वो बच्चा जो है बॉर्न ही उन डिजीजेस के साथ होता है। लेकिन इसके अंदर जो है ये नहीं होता। लेकिन अगर एक जर्म लाइन सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो रही है, तो व्हाट विल हैपन इज कि उस बच्चे के अंदर देयर विल बी एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर। ओके, अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% ऑफ ऑल द कैंसर्स आर स्पोरेडिक एंड 5 to 10% आर इनहेरिटेड, ठीक है। अब स्पोरेडिक का क्या मतलब होता है? दिस इज अ टर्म दैट आई नेवर न्यू बैक इन माई मेडिकल स्कूल के ये क्या होती है, बस रट्टा मार लेते थे, अच्छा स्पोरेडिक होती है। बट नाउ आई लर्न के बेसिकली स्पोरेडिक में ये चीज़ होती है कि अगर इफ आई एम जस्ट सिटिंग हेयर और खुदा ना खास्ता मेरे अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है, मतलब यहाँ पे मेरे साथ 10 लोग बैठे हुए हैं और हमें कोई फॉर एग्जांपल रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है और मेरे अंदर कोई म्यूटेशन हो गई है और जो है आई डेवलप अ कैंसर, मतलब अल्लाह ना करे, तो व्हाट हैपेंस इज कि वो चीज़ स्पोरैडिक होगी कि रैंडमली किसी भी 10 लोगों में से या 100 लोगों में से किसी एक बंदे में बैठे बैठे खड़े खड़े एक चीज़ डेवलप हो जाती है, तो उसको आप स्पोरैडिक कहोगे, ठीक है। उसके अंदर कोई एज सच कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वो रैंडमली उसको टैग किया गया है कि ओके दिस पर्सन दिस विल डेवलप कैंसर, तो वो उस तरह से दैट इज स्पोरेटिक, ठीक है। इनहेरिटेड क्या चीज होगी? ऑब्वियसली जो कि यू दैट यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो 5 to 10% जो है वो इनहेरिटेड होते हैं, उसके अंदर सर्टन देर आर सर्टन जीन्स दैट आर एट प्ले। लेकिन जो है 90 to 95% दैट इज अ ह्यूज परसेंटेज दे आर स्पोरेटिक, ठीक है। ओके, जीन्स प्लेइंग रोल इन कैंसर डेवलपमेंट, अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था ऑन्कोजीन्स के बारे में, एक डिफिकल्ट सी स्लाइड थी वो आप लोगों ने देखी थी। फिर हमने ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में एक स्लाइड देखी थी, और देर आर ऑल्सो जी सर्टन जीन्स रेफर टू एज अ डीएनए रिपेयर जीन्स दैट आर एट प्ले। ओके, सो बेसिकली जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और ऑन्कोजीन्स जो हैं वो दीज आर द टू एंड्स टू डिफरेंट एंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब जो ऑन्कोजीन होती है, ऑन्कोजीन अगर एक बंदे के अंदर प्रेजेंट है तो ए ही और शी विल हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, ठीक है। तो जो आपने सारी ऊपर वो BCL2 और ये सारा कुछ जो पढ़ा था, अगर वो जीन्स जो हैं वो एक बंदे के जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ही और शी हैज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, ठीक है। दूसरी चीज होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन। देखो, जैसे नाम उसका सजेस्ट कर रहा है कि वो ट्यूमर को सप्रेस करके रखता है, तो उससे आपको पता चल रहा है कि ट्यूमर सप्रेसर का मतलब क्या हो सकता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन बेसिकली इज के एक एक पर्टिकुलर जीन अगर वो प्रेजेंट हो तो ट्यूमर को डेवलप होने से वो रोकती है। इट इज अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्यूमर, ठीक है। तो जो ऑन्कोजीन होती है वो आपके पास इन एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म पड़ी होती है, दैट इज रेफर टू एज द प्रोटो ऑन्कोजीन। और एक दफा उसको कोई चीज मिल जाए जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाए इनटू एन ऑन्कोजीन, तो इट विल डेवलप कैंसर, ठीक है। देखो, तो सो द प्रोटो ऑन्कोजीन्स बेसिकली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। सो बेसिकली ये वाली जो जीन्स हैं ये नॉर्मली एट फंक्शन होती हैं। देखो, सेल्स जो होते हैं उनको सेल्स का काम है डिवाइड करना। सो बेसिकली थिंक ऑफ योर सेल्स एज स्टूपिड, या बिल्कुल एक मतलब वो बिल्कुल एक स्टूपिड लोग हैं, उनको नहीं पता कि हमने क्या करना है, वो बस डिवाइड होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं। बट उनको उनकी डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर्स हैं। एक कंट्रोलर जो है वो उसे कहता है कि तुम डिवाइड क्यों नहीं हो रहे, चलो डिवाइड हो, और दूसरा कंट्रोलर जो है वो चेक करता है कि नहीं, तुम लोग बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहे हो, तो
जस्ट कीप इट लो एंड जस्ट जस्ट डोंट डिवाइड सो मच. ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट कंट्रोलर्स दैट वी हैव फॉर कंट्रोलिंग द सेल ग्रोथ. ठीक है, अब इसको जो है वो इफ यू जस्ट गो एंड थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ कैंसर, तो कैंसर के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन हो रही है. सो बेसिकली उसमें क्या होगा कि आपकी जो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है वो एक्टिवेट होके ऑन्कोजीन्स बना देंगी और वो जो है उसकी प्रोलिफरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कराना शुरू हो जाएंगी. और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है उसका आपका लॉस हो जाएगा, वो बेचारी काम ही नहीं कर रही. मतलब आइदर केस के अंदर जो है आपकी जो सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी. ठीक है, वन थिंग इज कि देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन्स और अब वो जो है वो अनकंट्रोल्ड जो है वो सेलुलर ग्रोथ होना शुरू हो गई है. एंड द सेकेंड थिंग इज के जो ट्यूमर सप्रेसर जीन थी उसका जो है वो लॉस हो गया है और अब वो कंट्रोल ही कर नहीं पा रहे कि क्या करेंगे. और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इकट्ठे नहीं होती हैं. देर आर सर्टन कैंसर्स जिसके अंदर आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं उनका लॉस हो जाता है और वो जो ट्यूमर सेल है वो डिवाइड करता रहता है. और देर आर सर्टन कैंसर्स जिसके अंदर इवेंचुअली यू हैव एन एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटो ऑन्कोजीन्स टू ऑन्कोजीन्स. ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. दिस इज रिलेटिवली ईजी. Okay, so proto-oncogenes are genes that code for proteins responsible for proliferation. Proto-oncogenes are genes that normally help the cell grow. Okay, this is what we have already discussed. Proto-oncogenes are the normal genes that when mutated in certain ways become oncogenes, genes that cause a cell to become cancerous. There are several ways by which a proto-oncogene can be converted into an oncogene. Proto-oncogene also regulate the programmed cell death. ठीक है, उन्होंने apoptosis को भी regulate करना है. And what we studied initially के जो है आपका जो cancer होता है उसके अंदर there is an evasion of cellular death, that is the apoptosis. ठीक है, so oncogenes were originally identified in viruses causing cancer. These are called transformation viruses, often retrovirus, as they change the growth pattern of cells from a normal to tumor-like. The viral oncogenes were designated with the V, such as V-SARC gene. Oncogenes can cause a cell to divide in an unregulated manner. ठीक है, so oncogenes जो originally आपने उनको identify किया था, वो आपने viruses से identify किया था. जो कॉज करते हैं कैंसर. ठीक है, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन वायरसेस, मोस्टली रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस क्या है, जिसके अंदर बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है. एज इट चेंज द पैटर्न ऑफ सेल ग्रोथ फ्रॉम नॉर्मल टू ट्यूमर लाइक द वायरल ऑन्कोजीन्स आर डेजिग्नेटेड विद द वी प्रीफिक्स such as V-SARC gene. Oncogenes can cause a cell to divide in an unregulated manner. When a proto-oncogene mutates, changes, or there are too many copies of it, it becomes a bad gene. Cells grow out of control, which can lead to cancer. The bad gene is called the oncogene. Yet again, the same concept ki agar proto-oncogene jo hai wo activate ho rahi hai aur wo jo hai wo oncogene ke andar convert ho rahi hai, so it will lead to the formation of cancer. Theek hai, ab aate hai hum tumor suppressor gene jo uska ek opposite side hai, jo uski ek opposite cheez hai. So tumor suppressor genes are the normal genes that slow down the cell division, repair the DNA mistakes, or tell the cells when to die, a process known as apoptosis or programmed cell death. When tumor suppressor genes do not work properly, cells can grow out of control, which can lead to cancer. ठीक है, तो यही बात आपको मैंने already explain कर चुकी हूँ कि normally जो है tumor suppressor genes का काम क्या होता है कि वो जो है cell division को रेगुलेट करती हैं और रिपेयर करती हैं अगर कोई डीएनए के अंदर डिफेक्ट्स आ जाएं. और वंस इफ यू हैव अ डिफेक्टिव डीएनए तो उसको वो रिपेयर करके, अगर वो रिपेयर नहीं होता तो उसको जो है वो सेल की प्रोग्राम सेल डेथ को एक्टिवेट कर देती हैं ताकि वो सेल जो एबनॉर्मल सेल है जिसके अंदर डैमेज डीएनए है वो आपका दैट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन योर बॉडी. बट व्हेन दीज जीन्स डू नॉट फंक्शन तो सेल्स जो हैं दे ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. व्हेन दिस जीन म्यूटेट्स टू कॉज अ लॉस और रिडक्शन इन इट्स फंक्शन द सेल कैन प्रोग्रेस टू कैंसर, यूजली इन कॉम्बिनेशन विद अदर जेनेटिक चेंजेस. ठीक है,
सो बेसिकली अगर इस जीन की म्यूटेशन हो जाएगी और या लॉस हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन इज के यू विल हैव इट विल योर बॉडी कैन प्रोग्रेस टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कैंसर. सो एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इज P53. येट अगेन आई कैन नॉट एम्फसाइज इट मोर. सो बेसिकली जो P53 होता है आपका, आप लोगों ने जो सेल साइकिल के फेजेस पढ़े थे, आई होप यू रिमेम्बर, देयर इज अ G1 फेज, देयर इज एन S फेज, देयर इज अ G2 फेज एंड देन देयर इज द M फेज जिसके अंदर माइटोसिस होता है. तो जो P53 होता है आपका, बेसिकली जो G1 टू S ट्रांजिशन है वो डिसाइड कर रहा होता है. सो बेसिकली इट इज बेसिकली अ गार्डियन और अ गेट कीपर एट द G1S ट्रांजिशन डोर जो के डिसाइड करेगा कि एक सेल जो है वो G1 से S के अंदर जो है वो ट्रांजिशन करेगा कि नहीं करेगा. अगर वो सेल रिक्वायर्ड नहीं है या अगर वो सेल डैमेज्ड है या उस सेल को भी नहीं ट्रांजिशन करना तो वो P53 जो है वो उसको रोक के रखेगा. लेकिन अगर P53 की एक्टिविटी ही लॉस हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो सेल है वो डिवाइड करता जाएगा. ठीक है. सो द जीन P53 इज बेसिकली द गार्डियन ऑफ द जेनोम. व्हेन इट इज म्यूटेटेड दिस जीन विल कॉज 50% ऑफ द मलिग्नेंट ट्यूमर्स. P53 हैज बीन मैप्ड टू क्रोमोसोम नंबर 17 इन द सेल. P53 प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए. ठीक है. तो बेसिकली अबाउट 50% ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर रिलेटेड टू द म्यूटेशंस इन P53. सो हेंस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर होता है और ये बाइंड करता है टू डीएनए. एज आई हैव टोल्ड यू के डीएनए की जो ट्रांजिशन, जो बेसिकली सेल की ट्रांजिशन है फ्रॉम G1 टू S फेज, उसको ये कंट्रोल करता है. P53 protein binds DNA, which in turn stimulates another gene to produce a protein called P21 that interacts with a cell division stimulating protein. So that is CDK2. Mutant P53 can no longer bind DNA in an effective way, and as a consequence, the P21 protein is not made available to act as a stop signal for cell division. Thus, cells divide uncontrollably and form tumors. So basically, what will happen is that P53 is linked to another protein that is referred to as the P21, which interacts with proteins that are referred to as the CDK2. ठीक है. तो अगर जो है P53 जो है वो DNA के साथ bind नहीं करेगा तो वो P21 को भी activate नहीं करेगा. तो eventually जो है there will be cellular growth and formation of a tumor. P53 prevents the replication of damaged DNA in the cells and promotes cell death by apoptosis in the cells with abnormal DNA. ठीक है. सो बेसिकली वही मैंने आपको बताया कि देखो एस फेज के अंदर जो है, एस फेज अगर हम सेल साइकिल का रिकॉल करें तो एस फेज के अंदर देर इज बेसिकली द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दैट इज एक्चुअली गोइंग ऑन. जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है. डीएनए की रेप्लिकेशन बिफोर द डिविजन ऑफ सेल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली जब सेल डिवाइड करेगा तो उसके अंदर दो कॉपीज ऑफ डीएनए होनी चाहिए. तो अगर जो है, अगर P53 को पता है कि ये डीएनए डैमेज्ड है तो वो उसकी रेप्लिकेशन को रोकेगा, और अगर जो है वो डैमेज बियॉन्ड रिपेयर है तो उसको जो है वो इंड्यूस कर देगा कि वो उसका एपोप्टोसिस हो जाए. ठीक है. सो ये हम P53 के बारे में पढ़ लिया. अब रेटिनोब्लास्टोमा, ये एक और इम्पॉर्टेंट जीन है जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है. One function of retinoblastoma is to prevent excessive cell growth by inhibiting cell cycle progression until a cell is ready to divide. In humans, the protein is encoded by RB1 gene located on chromosome number 13. The P53 that was located on chromosome number 17, and the retinoblastoma gene jo hai, that is located on chromosome number 13. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर बेसिकली जो है वो सेल साइकिल का प्रोग्रेशन जो है उसको उसी तरह से ये रोक रही होती है. दैट इज सप्रेसिंग द ट्यूमर. एंड वंस यू हैव द ये मतलब इनएक्टिवेट हो जाए तो इट विल इवेंचुअली कॉल रेटिनोब्लास्टोमा.
If alleles of these genes are mutated early in life, the protein is inactivated and results in the development of retinoblastoma cancer. Retinoblastoma is a cancerous tumor of the retina. It occurs in two forms. Familial retinoblastoma, multiple tumors in the retinas of both eyes occurring in the first week of infancy, and sporadic retinoblastoma, single tumor appears in one eye, sometimes in early childhood. ठीक है, तो basically इसके अंदर दो forms होती हैं. अगर आपके पास एक familial होती है, कि अगर for example अगर family के अंदर जो है वो retinoblastoma gene की mutation चलती आ रही है, तो what will happen is के जो है after first few weeks of birth आपको जो है multiple tumors develop होंगे in the retinas of both eyes. लेकिन जो sporadic होता है, जो मैंने आपको sporadic का term already explain किया कि what a sporadic mutation is, अगर वो sporadic होता है तो एक single tumor जो है that will develop. लेकिन it is important to note कि जो retinoblastoma है, जैसे जो lung cancer होता है, that is related to an elderly people. ठीक है, mostly 50s के बाद जो है वो lung carcinoma जो है वो develop होता है. तो उसी तरह जो retinoblastoma है, this is classically linked to children, जो छोटी एज के अंदर जो develop होते हैं, childhood cancers हैं. retinoblastoma is an example of a childhood cancer. ठीक है, examples of oncogenes, yet again वही difficult table that you have to memorize at some point. You have to force yourself through it. So HER2 new jo hai classically breast, ovarian, gastric cancer, BCR, ABL, and CML, that is chronic myeloid leukemia, and ALL, acute lymphocytic leukemia. C-MYC in Burkitt's lymphoma, N-MYC in small cell lung cancer, neuroblastoma, BCL2 in follicular lymphomas, L-MYC again in lung tumors, RAS in colon, lung and pancreatic cancers, RET in medullary thyroid cancer. So iske andar kuch explain karne wali baat hai nahi, this is all cramming. Tumor suppressor gene, yet again do cheeze hum pad chuke hain, p53, that is in most human cancers, retinoblastoma jo RB, that is in retinoblastoma, APC जो है कोलोरेक्टल कैंसर, BRCA1, BRCA2 हम पढ़ चुके हैं, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, NF1 न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 एंड NF2 न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2, P16 इन मेलेनोमा एंड WT1 एंड WT2 इन विल्म्स ट्यूमर. विल्म्स ट्यूमर भी एक चाइल्डहुड ट्यूमर है, ठीक है, ऑफ द किडनीज. Indirect acting carcinogens, chemicals that require metabolic conversion to become active carcinogens. The carcinogenic product of metabolism is called an ultimate carcinogen. For example, the polycyclic hydrocarbons or benzopyrenes. Okay. So basically, जो carcinogens कुछ ऐसे chemicals होते हैं जो कि cancer causing chemicals होते हैं. So if they require an activation, so this is referred to as an indirect acting carcinogen. So uske andar example aapke paas polycyclic hydrocarbons ki aa jati hai, ye mostly aapka jo bladder cancer hota hai uske liye jo hai ye aapke cause karte hain bladder cancer. So agar ek patient jo hai wo exposed hai in particular hydrocarbons mein aur uske andar bladder cancer ho raha hai, so that is what you might actually expect. Radiation carcinogenesis, radiation energy in the form of a UV rays of sunlight or as ionizing electromagnetic and particulate radiation is carcinogenic. UV light is clearly implicated in the causation of skin cancers, ionizing radiation exposure from medical or occupational exposure, nuclear plant accidents, atomic bomb detonations, has a variety of cancers. ठीक है, अब basically इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, वो ये है कि जब आपका एक्सपोजर होता है टू यूवी रेडिएशंस, तो अगर आपके डीएनए के अंदर देयर आर टू थायमिन रेसिड्यूज दैट आर एडजेसेंट टू वन अनदर, तो उनके दरमियान में डाइमराइजेशन हो जाती है. मतलब वो जो दो थायमिन्स थे उनकी आपस में जो है वो बॉन्डिंग बन जाती है, जिसको आप डाइमर फॉर्मेशन कहोगे. और जब वो एक एबनॉर्मल डाइमर जो है वो क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से जो है वो म्यूटेशंस होती हैं दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन कैंसर. तो ये इसके बाद मैं अगले वाले इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है, आई विल मूव ऑन टू दैट. दिस वाज वन पार्ट.
the second part of that is also linked. Okay, so here it goes. I hope I'll finish it up early. Okay, so ट्यूमर मार्कर्स, आई कैन नॉट एम्फसाइज कि आज का लेक्चर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है. ट्यूमर मार्कर्स जो है हम लोगों का एज मेडिकल स्टूडेंट हमेशा एक नाइटमेयर रहा है, बिकॉज ये चीज जो हैवीली टेस्टेड ऑन एग्जाम. आई रियली डोंट नो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो किस तरह से टेस्ट किया जाएगा, बट मतलब जनरली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ कि जो अभी हमने ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के जो खौफनाक टेबल्स पढ़े हैं, उनसे ज्यादा अगर एक टेबल या एक डायग्राम इम्पोर्टेंट है तो दिस इज ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स. ये चीज जो है वो आपको मतलब बहुत ज्यादा जो है वो हैवीली टेस्टेड ऑन एग्जाम्स, एंड यू शुड नो कि ब्रेस्ट के साथ अगर ट्यूमर मार्कर कौन से एसोसिएटेड है, स्टमक कैंसर के साथ कौन से एसोसिएटेड है. इनकी ओवरलैपिंग है काफी ज्यादा, बट इससे बेहतर जो है ये वाला जो एक आपका डायग्राम है या टेबल है, दिस इज मोर बेटर टेबल टू मेमोराइज द ट्यूमर मार्कर्स. ठीक है, तो ट्यूमर मार्कर्स बेसिकली क्या होते हैं? ट्यूमर मार्कर शुड नॉट बी यूज एज अ प्राइमरी टूल फॉर कैंसर डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग. दे मे बी यूज टू मॉनिटर द ट्यूमर रिकरेंस और रिस्पॉन्स टू थेरेपी. डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज मेड बाय बायोप्सी. सो बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई से के ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्यूमर मार्कर है दैट इज CA125, ठीक है, तो उसके अंदर अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं अगर एक पेशेंट का CA125 लेवल लेती हूँ और वो एलिवेटेड आता है तो आई वोंट लेबल दैट पेशेंट एज अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट. ठीक है, तो द थिंग दैट यू शुड नो इज कि ट्यूमर मार्कर्स को आपने एज अ डायग्नोसिस की टूल नहीं यूज करनी. डायग्नोसिस क्या क्या मतलब है कि आप डायग्नोज करो कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को विच टाइप ऑफ कैंसर ही और शी इज हैविंग. वो डायग्नोसिस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन सी कि जो CA125 है वो पैनक्रियाटिक कैंसर में भी है, वो ओवेरियन कैंसर में भी है. सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्चुअली डायग्नोज के इस पेशेंट को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है, फॉर एग्जाम्पल. सेकेंड थिंग क्या है कि आप इसको स्क्रीनिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 लोग पर है, 100 पेशेंट्स है, और आपने उसमें स्क्रीनिंग करनी है कि किस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है, तो उसके अंदर से आप जो CA125 लेवल से आप लेबल नहीं कर सकते कि इस बंदे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया. ठीक है, तो लेकिन ट्यूमर मार्कर जो है वो इम्पोर्टेंट कब होते हैं? व्हेन बेसिकली यू नो कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर. फॉर एग्जाम्पल उसको कोई एक ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर भी के भी आगे देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स. ठीक है, तो अगर उस पेशेंट को जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, और उसके जो है CA120 आपने उसको डायग्नोज कर लिया. आपने कैसे डायग्नोज किया? आपने बायोप्सी से डायग्नोज किया है, आपने इमेजिंग स्टडी से डायग्नोज किया है, आपने यू नो कि दिस पर्सन हैज फॉर एग्जाम्पल डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू. ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट. So if this patient is having this particular type of breast cancer, and if I am giving him or her basically a chemotherapy, या मैं उसकी surgical surgical जो है वो करके उसका remove कर रही हूँ, मैं उसकी mastectomy कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं उसका जो response है to therapy अगर मैंने वो check करना है तो that I will check by means of a ट्यूमर मार्कर. क्योंकि अगर वो मेरा जो ट्यूमर मार्कर है जो CA125 है उसके लेवल्स जो है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रहे हैं विद माय रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तो इट मींस कि मेरी जो थेरेपी है वो सक्सेसफुल हो रही है. अगर वो लेवल्स जो है वो इंक्रीज वो डिक्रीज नहीं कर रहे और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इट मींस कि मेरी जो थेरेपी है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो मुझे वो करने की जरूरत नहीं है. आई शुड नॉट कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर थेरेपी दैट व्हाट आई एम गिविंग. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग. Yet again, you have to memorize alkaline phosphatase, Paget's disease of the bone or seminoma, alpha fetoprotein and hepatocellular carcinoma, hepatoblastoma, yolk cell tumors, CA15, breast cancer, CA19-9, pancreatic adenocarcinoma, CA125, ovarian carcinoma, calcitonin, medullary thyroid carcinoma.
ठीक है, तो जस्ट आई हैव टू मेमोराइज दीज एज वेल बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टडिंग फॉर एन एग्जाम राइट नाउ. सो सैडली वी ऑल हैव टू मेमोराइज दीज. सो वी आर इन दिस. एक्सक्यूज मी मैम, माइग्रोब्स. हाँ जी मैम, ट्यूमर मार्कर्स की जो आपने लास्ट पे बात बताई है उसको रिपीट कर दें. मतलब कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कह रही हैं कि मैं चेक करूंगी कि आप, मैंने उसको फर्दर ट्रीटमेंट देना है कि नहीं? यार उसमें बेसिकली द थिंग इज के व्हाट आई एम सेइंग इज कि ट्यूमर मार्कर्स को यू डोंट यूज देम टू डायग्नोज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर. ठीक है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि अगर फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट इज हैविंग कैल्सिटोनिन तो इट डजंट मीन कि उसके अंदर जो है वो मेडुलरी थायराइड कैंसर ही होगा. तो वो आप उसको डायग्नोज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूमर मार्कर्स. ट्यूमर मार्कर्स का रोल कहाँ पे आता है कि अगर अगर वंस यू नो कि इस पेशेंट को मेडुलरी थायराइड का कैंसर है, ठीक है, आपने उसको बायोप्सी से, आपने उसके थायराइड की बायोप्सी की है, आपने उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे आपको पता चला है कि दिस इज मेडुलरी थायराइड कैंसर, अब आप उसको ट्रीटमेंट देना शुरू हो गए हो, तो अब आपने उसका देखना है कि रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कैसा है. देखो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग द पेशेंट कीमोथेरेपी या उसको आप रेडियोथेरेपी दे रहे हो और अगर उसके कैल्सिटोनिन लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं प्रोग्रेसिवली, तो इट मींस कि आपकी जो थेरेपी है वो काम कर रही है, क्योंकि जो उसका जो उस कैंसर के की वजह से जो कैल्सिटोनिन लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज थे वो अब कम होते जा रहे हैं. इट मींस कि यू शुड कंटिन्यू योर थेरेपी एंड यू शुड जस्ट गिव द पेशेंट गुड होप्स के इवेंचुअली जो है ही और शी विल रिकवर, माइट रिकवर. ठीक है, लेकिन अगर एक पेशेंट का कैल्सिटोनिन लेवल्स रेज्ड है एंड यू जस्ट स्टार्ट गिविंग द पेशेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तो अगर उसके कैल्सिटोनिन लेवल्स जो हैं वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके अंदर कोई कमी नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली इट मींस के वो जो कीमोथेरेपी है या जो भी आप कोई थेरेपी दे रहे हो वो अफेक्टिव नहीं है, वो कैंसर जो है वो स्प्रेड करता जा रहा है और उसका जो ट्यूमर मार्कर है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है. So this is how we use them for the purposes of basically diagnosing के जो आपकी जो therapy है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है. तो important thing to know is कि इसके अंदर आप diagnosis of disease जो है उसके लिए आप tumor markers को नहीं use करते, but instead आप उसको use करते हो by for monitoring the response to therapy, for monitoring response to therapy. ठीक है, I hope this makes it clear. Yes ma'am. Okay, so we have oncogenic microbes as well. ठीक है, इसके अंदर Epstein-Barr virus जो है ये most importantly nasopharyngeal carcinomas के साथ linked होता है. मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि ये चीज़ आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, but sadly you have to and I have to as well. ठीक है, तो Epstein-Barr virus, Burkitt's lymphoma, Hodgkin's lymphoma, nasopharyngeal carcinoma के साथ related होता है. Hepatitis B और C, this is easy के hepatitis B और C virus जो है वो hepatocellular carcinoma, basically जो आपका liver carcinoma है उसके साथ जो है वो related होता है. Obviously hepatitis जो है वो liver को inflame कर रही है तो उसकी वजह से आपको liver cancer होगा. HHV8 जो है वो Kaposi sarcoma के साथ related है. हमने कपोजी सार्कोमा पढ़ा था कि एड्स पेशेंट के अंदर जो है वो क्लासिकली इट्स सीन इन एड्स पेशेंट. HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल्स, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सर्वाइकल कैंसर जो होता है फीमेल्स के अंदर इट्स अ वेरी हाईली क्या कहते हैं इग्नोर्ड कैंसर जो कि होता है, और हम लोग ये समझते हैं कि बिकॉज सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है बिकॉज दे आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स एंड दे हैव एन अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट द थिंग इज कि दिस इज ऑल्सो कॉमन इन पाकिस्तान एज वेल इन अनमैरिड फीमेल्स. तो जो है इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है. तो वहाँ US में तो हर हर पेशेंट को, हर फीमेल को इसकी वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई वैक्सीन लगवाता नहीं है. लेकिन इफ़ यू जस्ट गेट द वैक्सीन तो यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट योर सेल्फ फ्राम डिवेलपिंग खुदा न खास्ता सर्वाइकल कैंसर. सो पीनाइल कैंसर इन मेल्स, हेड एंड नेक कैंसर,
एट पाइलोराई जो है दैट इज एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा. एट पाइलोराइज मेरी आवाज नहीं आ रही है. मैं मारी है. आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम क्लियर आवाज है. आ रही है मैम. So, जो एज पाइलोराय होता है दैट इज द नोटोरियस थिंग दैट कॉजेज अल्सर्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप अल्सर्स एक चीज आपको कॉज कर रही है तो यू कैन एक्सपेक्ट गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा भी वो कॉज कर सकती है. सो जो एच टी एल वी वन वायरस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया, शिस्टोसोमा, हेमाटोबियम, ब्लैडर कैंसर. कार्सिनोजेंस जो हैं वो क्या कहना चाह रही है? अच्छा हाँ, बेसिकली कार्सिनोजन नहीं है. बेसिकली ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लिवर का कैंसर, लिवर में कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं. लिवर में हेपेटोसेलुलर कैंसर हो सकता है, एंजियोसारकोमा हो सकता है, ब्लड में ल्यूकीमिया लिम्फोमा हो सकता है, ब्लैडर में ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, लंग में लंग कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, स्किन में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एसोफेगस में स्क्वैमस या एडिनोकार्सिनोमा, किडनी में रीनल सेल कार्सिनोमा, लैरिंग्स में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. सो बेसिकली के डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में कौन कौन से कैंसर जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं, ये स्लाइड जो है वो ये शो कर रही है. थायरॉयड में पिपिलरी थायरॉयड कार्सिनोमा, स्टमक में गैस्ट्रिक कैंसर. देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. आई डोंट थिंक सो कि देर इज एनी. इसको अपने इन्फॉर्मेशन के लिए देख लो एक दफा, लेकिन उसको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो इस तरह तो आपके पास कोई लाखों के हिसाब से जो कैंसर बन जाएंगे तो doesn't really you know make sense. So brain cancer, lung cancer. Ab sites of metastasis jo hain wo kya kya hoti hain ke jo aapka jab agar jab spread hoga to wo kitna kis kis tissue mein jo hai wo zyada spread hoga. So that is ke brain cancer aur lung cancer ki same ratio hai, aur phir breast जो है, फिर उस वहाँ पे फिर प्रोस्टेट, फिर मेलेनोमा, फिर जीआईटी, फिर लिवर, कोलन, स्टमक, पैनक्रियास, बोन, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, लंग, थायराइड, किडनी. क्या कहना क्या चाह रहा है ये? सो ये पांच साइट्स को बताई हुई है इसने. यार इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, डजंट मेक सेंस एट ऑल. ओके, सो केकेजियो क्या चीज होती है? That is a progressive loss of body fat or lean body mass accompanied by profound weakness, anorexia and anemia that is caused by release of factors by the tumor or host immune cells. ठीक है, so देखो tumor का, देखो मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों के जानने में there is a person जिसका एकदम से within 2 to 3 months जो है वो कोई 10 kgs वेट लॉस हो गया है और वो कह रहा है कि हाँ अच्छा, आप उसको देखते हो और वो एकदम से बहुत ज्यादा स्किनी है, तो आप कहते हो कि यार तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने मतलब व्हाई यू आर सो लीन एकदम से. तो वो बंदा अगर कहे कि नहीं मैं तो खाता भी ठीक हूँ, आई डोंट आई एम नॉट ऑन एनी डाइट एंड आई एम जस्ट ईटिंग वेल, मैं उसी तरह से खा रहा हूँ, तो द फर्स्ट थिंग एज क्लिनिशियंस दैट यू शुड थिंक अबाउट इज ओ माई गॉड ही माइट हैव सम कैंसर. बिकॉज जो हॉलमार्क है, जो एक क्लासिकल फीचर है कैंसर का, वो ये है कि देर इज सडन लॉस ऑफ वेट विदाउट एनी रीजन. ठीक है, उसके अंदर पेशेंट जो है उसका रीजन कोई नहीं होता, वो खा भी ठीक रहा होता है, उसे भूख भी ऑलमोस्ट ठीक लग रही होती है, लेकिन उसका जो वेट लॉस है वो बहुत ज्यादा एकदम से जो सडनली जो है उसका वेट लॉस होता है. So that points towards ke, oh my god, this patient must get himself or herself checked for certain malignancies. ठीक है, so that is referred to as cachexia, कि अगर बहुत ज्यादा एक बंदे का वेट लॉस हो गया है, उसका लॉस ऑफ बॉडी फैट हो गया है, उसके अंदर बहुत वो वीक हो रहा है, उसको एनीमिया हो गया है, तो दैट इज cachexia. दिस इज अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ कैंसर. उसमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं कि अब सैडली जो है कैंसर जो है वो सिर्फ कैंसर नहीं रहता, वो क्या करता है कि वो और भी चीज़ें आपके जो हार्मोन्स के साथ जो है वो खेलना शुरू कर देता है, वो आपके हार्मोनल लेवल्स को जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है. तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स जो होते हैं, बेसिकली दीज आर सर्टन सिंड्रोम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव कुशिंग सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है कि देर इज एन इंक्रीज लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल इन योर बॉडी, जो कि आप
स्टीरोइड्स की फॉर्म में एक्सोजेनसली लेते हो, तो अगर एक पेशेंट के अंदर इफ अ पेशेंट हैज अ स्मॉल सेल कार्सिनोमा और रीनल सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है वो लंग का कैंसर होता है, या उसकी जो है रीनल सेल कार्सिनोमा दैट इज उसके जो किडनी है उसका कैंसर है, तो उसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, मीनिंग के ये जो दो कैंसर्स हैं ये उसके जो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेंगे और उसके जो कॉर्टिसोल लेवल्स है उसको इंक्रीज करेंगे, तो उस पेशेंट के अंदर जो है कुशिंग सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाएगा। जो हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है वो आपका हाइपर कैल्सीमिया कराएंगे, मतलब आपके जो कैल्सियम लेवल्स हैं उनको वो इंक्रीज कर देंगे। पोलीसाइथीमिया क्या होता है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल मास, ठीक है, आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो रीनल सेल कैंसर और हेमेंजियोब्लास्टोमा, हेपेटोसेलुलर कैंसर एंड फियोक्रोमोसाइटोमास जो हैं वो पोलीसाइथीमिया करा सकते हैं। सो दिस इज अ पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम के इसके अंदर जो बेसिकली एक सेंट्रल ओबेसिटी होती है और एक पर्टिकुलर कुशिंग, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव डिजीज, आई कैन नॉट गो ऑन टू एक्सप्लेनिंग व्हाट उसके अंदर क्या क्या होता है, बट बेसिकली उसके अंदर कॉर्टिसोल की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है। ये क्लासिकल फीचर होता है कि जो उसकी गर्दन होती है उसके अंदर ऊपर ये जो है ये डिस्कलरेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। सो लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड, सेवरल सैम्पलिंग अप्रोचेज आर अवेलेबल, ठीक है, कैसे आपने डायग्नोज कैसे करना है कैंसर को, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आप उसको जो है हिस्टोलॉजिकली स्टडी करो। हिस्टोलॉजिकली का क्या मतलब है कि आप उसकी बायोप्सी लो, आप उसको जो है उसका सैंपल प्रिपेयर करो, उसके बाद फिर आप उसको लैब के अंदर जो है उसका जो है वो सैंपल जो आप लोगों ने हिस्टोलॉजी जो पढ़ी होगी वो उसके अंदर, हिस्टोलॉजी का मकसद ही ये होता है कि वो कैंसर्स वगैरह जो आगा खान वगैरह में या शौकत खाना में चल रही होती है वो यही होता है कि उसको वो जो है पैथोलॉजिकली जो है वो चेक करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी उसकी करते हैं। तो उसके अंदर एक्सीजन बायोप्सी हो सकती है, नीडल एस्पिरेशन हो सकती है, साइटोलॉजिकल स्मेयर्स हो सकती हैं, ठीक है। एक्सीजन बायोप्सी क्या मतलब है कि आपने एक ट्यूमर का पर्टिकुलर एक पोर्शन लिया उस ट्यूमर से और उसको जो है आपने उसको एनालाइज किया। नीडल एस्पिरेशन क्या होती है कि आप एक नीडल इंसर्ट करते हो टू दैट ट्यूमर और उसके अंदर से आप सेल्स जो हैं वो ले लेते हो और फिर उनको आप एनालाइज करते हो, ठीक है। सो ये देखो, ये अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये आपकी स्किन लीजन है और ये सेफ्टी मार्जिन जो है वो आपने इसके अंदर से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इसको एक्साइज करके इसकी बायोप्सी ले लूँ और उसको मैं स्टडी करूँ तो दैट विल बी एक्सीजन बायोप्सी, या फिर अगर मेरे कोई थायराइड के अंदर कोई मसला है तो मैं उसके अंदर जो है वो नीडल इंसर्ट करके उसके अंदर से जो सेल्स हैं वो निकाल लूँ, दैट इज नीडल एस्पिरेशन। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैज ग्रेटली फैसिलिटेटेड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स और सरफेस मार्कर्स। एग्जांपल्स ऑफ द यूटिलिटी ऑफ इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री इन द डायग्नोसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म फॉलो, categorization of undifferentiated malignant tumors, determination of site of origin of metastatic tumors, detection of molecules that have prognostic or therapeutic significance. So basically what it is trying to say is ke apart from your biopsies and your needle aspirations, the second method that you can use for diagnosing a cancer or staging a cancer is immunohistochemistry. Immunohistochemistry basically, obviously it's a very extensive subject in itself, जिसके अंदर आप जो specific antibodies जो हैं वो उसको that are produced against specific types of cells or antigens in your body, they are basically identified by using immunohistochemistry. So in case of cancer आप उसको क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि जो है site of origin क्या है उस particular किसी metastatic cancer का, या आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे अगर आप एक ट्यूमर है जो आपके लंग से ओरिजिनेट कर रहा है और वो आपके फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में चला गया है, तो अगर आप ब्रेस्ट टिश्यू को जो है वो आप एनालाइज करते हो तो आपको ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे ऑफ लंग टिश्यू, बिकॉज वो ओरिजिनेट जो है वो लंग से कर रहा है, तो आप उसको डिटर्मिन कर सकते हो कि ओके दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द लंग, ठीक है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव प्रोग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस। सो
basically it's a difficult subject because immunohistochemistry mostly molecular biology ke andar aata hai, so I will obviously not go on explaining that. So basically the thing is ke you are looking for specific antibodies that are produced in your body in case of cancer, so aap unko detect kar sakte ho. Flow cytometry can rapidly and quantitatively measure several individual cell characteristics, but is mainly used to identify cellular antigens expressed by liquid tumors, those that arise from blood forming tissues. So flow cytometry mein kya hota hai, basically ek important cheez hai jo aap use karte ho, lekin jo obviously jo classically used hoti hai wo jo humne pehli cheez padh li hai, excision biopsy and then you have your needle aspiration, aap usse diagnose karte ho. Flow cytometry mein kya hota hai ki jo aapke jo blood cancers hote hain, jo leukemias ya lymphomas hote hain, unke andar jo ye b aur t cells jo hote hain, ye specific markers jo hain unko jo hai express karte hain, theek hai. To ab jo for example जो अगर एक हॉजकिंस लिम्फोमा है या अगर कोई जो मतलब ये वाले जो ये लिम्फोमास और ल्यूकीमियाज होते हैं काफी ज्यादा, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स एंड दे आर रियली कॉम्प्लिकेटेड, बट व्हाट आई वांट टू टेल इज के जो फॉर एग्जांपल देर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, उसके अंदर जो बी सेल्स होंगे या उसके अंदर जो टी सेल्स होंगे वो एक स्पेसिफिक मार्कर जो है ट्यूमर मार्कर या मार्कर जो है वो अपने उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर जो है वो शो करेंगे. वो उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करते हो उसको आप फ्लो साइटोमीट्री कहते हो, ठीक है. सो दिस इज फ्लो साइटोमीट्री, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. Circulating tumor cells, instrumentation that permits detection, quantification and characterization of rare solid tumor cells circulating in the blood has been explored as a diagnostic modality. So you can matlab iske andar basically you are trying to diagnose the cells that are the tumor cells that are circulating in the blood, unko aap diagnose karne ki koshish kar rahe ho, lekin this is still obviously under process. Molecular and cytogenic diagnosis, several molecular or cytogenic techniques, some established, other emerging, have been used for diagnosing. For example, PCR. PCR जो है वो एक technique होती है जिसके अंदर आप amplify करते हो अपना genetic material. So that is also being explored. So this is about it. कोई questions हैं तो मुझसे पूछ लें. Otherwise, I'll move on to your attendance. कोई क्वेश्चन है? नहीं है मैम. हमारे और कितने लेक्चर रह गए हैं यार? बहुत लेक्चर्स हैं, आप लोगों के खत्म ही नहीं हो रहे. अभी माइक्रोबायोलॉजी भी है, अब मैं हाल से 30 तक लिखे हुए हैं और अभी मैं 16 पे पहुंची हूँ. यार मेरे पास 30 लिखे हुए, मैंने अभी खोल के नहीं देखे, लेकिन अभी बेसिकली आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी रहता है मेनली. माइक्रोबायोलॉजी भी तो पढ़नी है ना. ओके देखो मैं बताती हूँ आपको. ओके इसके अंदर देखो अभी जो है वो न्यूप्लेजिया, ये कोई तकरीबन 3-4 लेक्चर्स हैं. फिर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी है, फिर माइक्रोबियल ग्रोथ है, फिर जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया है, फिर पैथोजेनेसिस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ. मैम मतलब अभी हमने सिर्फ पैथोलॉजी पढ़ी है? पैथोलॉजी भी अभी नहीं पढ़ी है. मैम 16 लेक्चर्स हो गए अभी तक नहीं हुई. वही ना, मैं एक बस चाह रही हूँ जल्दी खत्म हो, लेकिन हो ही नहीं रहा. I don't know कि अभी आप लोगों के, मैंने अभी कोई assessment plan भी करना है, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं. एक second hold करो, I'll get back to you people. अंकित मैम साथ साथ आप ले लेना ताकि फिर बाद में, तो इतने सारे lectures हैं, ऊपर से वाइवा जब होगा तो फिर आप full lectures देंगी तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा. क्या क्या मैम जो assessment plan है ना, बल्कि जो हमारी assessment, मैंने कहा वो आप साथ साथ ले रहे ना, क्योंकि जब हमारे ये सारा कुछ खत्म हो जाने लेक्चर्स वगैरह, तो आपने अगर वाइवा देना तो फिर वो फुल मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाता है मैम साथ एक साथ करना, जैसे 30th लेक्चर. हाँ मुझे पता है. हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ प्लान आउट करूँ, क्योंकि कोई सही चीज बन नहीं रही है ना. मतलब
अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मुझे प्रेजेंटेशन बना दो, इट डजंट मेक सेंस, मैं उसके 40 नंबर दे। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आपने क्या कहा था? मैं कह रही हूँ कि देखो आए, मुझे अभी समझ नहीं आ रही है कि मैं आप लोगों को क्या दूँ जो असेसमेंट के तौर पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेजेंटेशन बना दो, तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन आप मुझे बना दोगे, मैं उसके मार्क्स लगा दूंगी, आप लोगों को क्या फायदा होगा? देयर शुड बी समथिंग जिससे आप लोगों को कुछ याद हो, कुछ लोग आप लोग पढ़ो, आप लोगों ने तो पढ़ना। देखो ना, असाइनमेंट्स बनाने के लिए आप लोग पढ़ोगे, ना लोग ना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप लोग पढ़ोगे, इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है। अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं भी ऐसे ही करती। डजेंट मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। सो देर शुड बी सर्टन थिंग जो आप लोगों को एटलीस्ट पढ़ने पे तो मजबूर करे ना। जब तक एग्जाम, जब तक टेस्ट नहीं आता कोई, तो बच्चा नहीं पढ़ता, ये चीज तो हम सबको पता है। तो मुझे यही समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ मैम। लेकिन अगर हम प्रेजेंटेशन वगैरह भी तैयार करते हैं और उसका प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें तो जाहिर सी बातें याद करते ही हैं, मतलब एक हमारे व्यू से तो जाती है ना ये चीज। वो तो ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग यू अ प्रेजेंटेशन, मैं आपको एक टॉपिक की प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और आपके 30 लेक्चर्स है, तो आपका एक लेक्चर मैक्सिमम प्रिपेयर होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 10 लेक्चर्स में से एक कहूँ कि आपका मैं फॉर एग्जाम्पल वाइवा लूंगी या जो भी, तो वो आपके 10 लेक्चर्स प्रिपेयर होंगी। तो एक लेक्चर प्रिपेयर करने से आप प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आपको उस तरह से याद हो जाएगी। यस मैम, अगर 5-5 करके शॉर्ट ओरल वाइवा हो जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। मैं भी यही सोच रही हूँ कि देखो अगर मैंने जो दूसरे वाले हैं, जो दूसरे सेक्शंस हैं, मैं उनके छोटे शॉर्ट मिनी वाइवाज ले रही हूँ, मतलब छोटे छोटे वाइवाज लेती हूँ, 2-3 मिनट्स का वाइवा, 3-4 क्वेश्चंस पूछे बस, तो उसमें एटलीस्ट जो है वो पढ़ लेते हैं उस बहाने से एटलीस्ट, तो शायद मैं उसका इस तरह से कर लूँ। लेकिन इतना ज़्यादा बच्चों का वाइवा लेना भी इट्स अ हैसल, तो लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो है अगर मैं कोई क्विज बनाती हूँ तो क्विज जो है वो वैसे ही सर ने जो है वो कहा है कि क्विजेस जो है वो दे आर नॉट अ गुड टूल फॉर यू नो डायग्नोसिंग कि आप लोग जो है वो सही तरह पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, चीटिंग बहुत होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ऑब्वियसली ही इज राइट एज वेल। तो लेट्स सी, ठीक है, बाय द एंड ऑफ मैं मंडे तक इंशाल्लाह आई लेट यू नो, ठीक है। आप आज कैसे आ गए? पिछले 3 एब्सेंट है आपके। एमन हबीब, एमन हबीब, एमन नसीर, प्रेजेंट मैम, अमानिया ताहिर, प्रेजेंट मैम, अक्सर जावेद, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट, कयूम, आयशा, अतिया कयूम, प्रेजेंट मैम, ओके, आयशा, आयशा, ओके, आयशा हसन, आयशा हसन, एक्सक्यूज मी मैम, आयशा मुगल, हाँ जी मैम, मेरी अटेंडेंस पहले लगा दे, मेरा नेम एंड पे आता है, तो 5 मिनट नहीं वेट कर सकते? मेरा नेट बहुत ज्यादा इशू कर रहा है। अच्छा ठीक है, आयशा मुगल, आयशा मुगल, मैंने हॉटस्पॉट लिया हुआ है अपने बाबा से, तो उन्होंने, अच्छा ठीक है, इट्स फाइन, मैं लगा दूंगी, कह तो दिया है मैंने। बिस्मा शाहिद, प्रेजेंट मैम, दुआ खान, प्रेजेंट मैम, फरा नूर, प्रेजेंट मैम, फरीहा फातिमा, प्रेजेंट मैम,
Fatima 1205. Present ma'am. Fatima Nasser. Present ma'am. Ghalia Khan. Present ma'am. Vania Khan. Present ma'am. Gulshan Saleem. Present ma'am. Hafiz Muhammad Salman. Present ma'am. Present ma'am. Humaira Saeed. Present ma'am. Ifraig Ali. Ifra Ali. Arij Amir. Arij Amir. Izza Ilahi. Present ma'am. Kashaf Maksood. Kashaf Maksood. Kiran Rani. Present ma'am. Mahnoor Asif. Present. Mahnoor Liaqat. Mahnoor Liaqat. Malaika Tahir. Present ma'am. Malik Muhammad Hassan. Malik Muhammad Hassan. Manahil Kamran. Manahil Kamran. Maria Shaukat. Present ma'am. Maryam Imtiaz. Present ma'am. Manahil Shehzad. Present ma'am. Muhammad Abdullah. Present ma'am. Muhammad Abu Bakr. Yes ma'am. Muhammad Amir. Muhammad Amir. Muhammad Hamid. Present. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Muqaddas Zaheer. Muqaddas Zaheer. Nadir Hussain. Present ma'am. Neha. Present ma'am. Nida Aslam. Nida Aslam. Nimra Shehzad. Nimra Shehzad. Noor Fatima. Present ma'am. Nusrat Noor. Present ma'am. Rimsha. Present. Rimsha Ijaz. Ma'am. Hanji. Ma'am, मैंने पहले hand free लगाई हुई थी, इस वजह से आपको आवाज नहीं आई. मेरे present लगा दे निदा असलम, अभी नाम गुजर के गए. Hand free लगाई हुई थी तो आवाज नहीं आई मुझे. Hand free के mic की वजह से mic खराब था. अच्छा ठीक है, ओके. रिमशा इजाज. थैंक यू मैम. रिमशा इजाज. रिजवानुल हक. प्रेजेंट. सादिया बदर पराचा. प्रेजेंट. सादिया सैफ. प्रेजेंट मैम. सजल खान. प्रेजेंट मैम. सना इकबाल. प्रेजेंट मैम. सना जावेद. सना जावेद. सनम रफीक. प्रेजेंट मैम. सारा रियाज. प्रेजेंट मैम. समा प्रयाज. प्रेजेंट. सहर नदीम. सहर नदीम. शर्जील अरशद. प्रेजेंट मैम. शिजा फारूक. प्रेजेंट मैम. शिफा उमर. प्रेजेंट मैम. आ
Shumaila Kausar. Shumaila Kausar. Sidra Abbas. Present, ma'am. Taimur Mujahid. Present, ma'am. Umair Ahmed. Present, ma'am. Taimur Mujahid, present. Taimur Mujahid. किसी और बच्चे ने इसकी बोली है? Yes, ma'am, मैंने बोली है. आप आ गए हो आज क्लास में? वेलकम मैम. सॉरी यू नो यू हैव 10 मार्क्स क्लास पार्टिसिपेशन के, जिसके आपको अपेरेंटली मेरे ख्याल से एक मार्क मिल जाएगा आ जाने का. मैम एक्चुअली आई वर्क लेट इन द नाइट एंड द क्लास टाइमिंग इज एट 8 सो बेटा जी, I work late at night as well. I study till 4 a.m. in the morning because I have an exam, and then I wake up at 8 to teach you people. The things you have to do, you have to do by group. Yeah, it's a very, very the lamest excuse I've ever heard. It's your grade, it's your exam. I have nothing to lose. ठीक है? It's your life. You need to do whatever you want to do. I cannot force you into, you know, attending a lecture or doing anything. Okay. Umme Aiman. Present, ma'am. Yes. Usama Irshad. Yes, ma'am. Present. Varda Fatima. अच्छा वर्दा फातिमा वही बच्ची थी ना जो कह रही थी कि मेरे अब्बू का नहीं जाना है ये वो वही बच्ची थी. हाँ ज़ैनब महबूब. Present. questions नहीं है तो भागो, अगर कोई question है तो पूछ लो. मैम. हाँ जी मैम, यूनिवर्सिटी सब मेन के वैवा ही ले रही है, मिड पे भी मेन वैवा होता है, बाकी टीचर्स हैं वो भी मीन के वैवा ले रहे हैं क्लास पार्टिसिपेशन बेस पे, कि उस बेस पे मार्क्स लगेंगे कि बच्चे कोई चीज सुना देंगे ना, तो इस बेस पे मीन के मार्क्स लगेंगे. अब सारी यूनिवर्सिटी सब ले ही वैवा रही है, तो बच्चे इतने भी नहीं है कि सब वैवा दे दें, बंदा कोई असेसमेंट और रख लेता है. क्या कर लेता है? और रख लेते हैं असाइनमेंट वगैरह या क्विज़, तो इन्होंने रखना ही नहीं है, मतलब ये कि सब वैवा ही होंगे सेमेस्टर में. यार मैंने जो दूसरी मैम है पैथोलॉजी की, उनसे पूछा था, वो पता नहीं कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रही थी. अब वो भी एक मतलब वो उसके लिए भी ऑब्वियसली आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे. तो आई एम देखो यू नीड 40% फॉर योर सेशनल्स, 10% इज योर क्लास पार्टिसिपेशन, दैट इज ऑब्वियसली योर अटेंडेंस. ठीक है, then 10% will be of your two assignments that you gave. I might do it 15%. Shayad jo aapne do assignments mujhe submit karayi hai, main use shayad 15% kar dun, but 10% to for sure hai. Baki reh jata hai mere paas 20% ki weightage jo maine puri karni hai. Ab ya to main usko ek viva ki form mein kar sakti hu, ya agar scenario based questions bhi main karungi to fir main wo kitne questions rakhungi? Main koi 40 questions rakhungi to fir main 20% pure karungi na. तो अभी आई एम जस्ट स्टिल थिंकिंग कि व्हाट शुड आई डू. इसके अंदर मतलब मैम हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैम है, हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मैम है, मेरा आज ही उनका नहीं प्रेजेंटेशन है, वो उन्होंने प्रेजेंटेशन टॉपिक दिए हुए हैं पूरी क्लास को डिफरेंट मैम ग्रुप में करके ना 10 स्टूडेंट्स को, उनकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो मैम उन वो कहती है प्रेजेंट करो, हम जैसे ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो दरमियान में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेती है, ये अगर लिखा हुआ है तो ये क्या है, तो मैम उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है हमें, तो मैं इसलिए कह रही थी कि आपने प्रेजेंटेशन लेनी है. यार मैंने अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के दो सेक्शंस मैं ले रही हूँ, मैंने उनके साथ क्या किया है कि आई गिव देम टॉपिक्स, इसी तरह से मैं सारे सबको डिफरेंट टॉपिक्स दे रही हूँ, हर बच्चे को मैं एक डिफरेंट टॉपिक दे रही हूँ, फिर मैं उनको टॉपिक देती हूँ, वो उस पर प्रेजेंट करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन के बाद मैं अगर मैंने आज 5 बच्चों का ग्रुप बनाया और 5 बच्चों की आज प्रेजेंटेशन है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये जो 5 के 5 जो बच्चों के टॉपिक्स हैं यू हैव टू मेमोराइज और यू हैव टू
you know, prepare all these topics. And once the viva, the presentations are done, मैं उनसे कहती हूँ कि okay, अब मैं फिर एक एक बच्चे को सवाल पूछती हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो उस दिन का टॉपिक होता है. सो आई एम डूइंग मोर और लेस द सेम थिंग, बट द थिंग इज कि वो स्ट्रेंथ थोड़ी कम है. वो एक मेरे पास 50 बच्चे हैं, ये 70 बच्चे हैं, तो ये सारा करना इस तरह से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आई कैन डू दैट एज वेल. तो मैं अभी तक आप लोगों को इंशाल्लाह बाय संडे मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कि व्हाट आई प्लान ऑन डूइंग. ठीक है, इसलिए डोंट वरी. ओके मैम. ओके मैम. ओके चलो, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन. अल्लाह हाफिज़ मैम.